सच न्यूज आईना सच का सिर्फ सच से करवाए रूबरू। सच न्यूज आईना सच का हेडक्वार्टर्स पर आज उनको याद किया गया, उनकी खदमात जो देश के लिए रही है, वैसे थे फ्रीडम फाइटर, वैसे थे पॉलिटिकल कारकुन और वैसे थे वजीर आजम देश के। जो कुछ उन्होंने देश को दिया है शायद उसको कोई आगे मिटा नहीं सकता है। आज जिस तरह से कोशिश की जा रही है कुछ ताकतों के जरिए कि देश की हिस्ट्री को बदलने की, देश के इतिहास को बदलने की, मेरे ख्याल से वो कितनी भी कोशिश करेंगे, चाहे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू की बुनियाद हो देश बनाने की या इंदिरा जी को इसको निर्माण करने की बात हो, ये लोगों के दिलों में है ये इतिहास। इसको चाहे कोई किताबों के जरिए पोस्टरों के जरिए बदलने की कोशिश करेगा, मुझे पूरा भरोसा है देश के 130 करोड़ लोगों को ये इतिहास दिलों में लिखा हुआ है जो कुछ इस लीडरशिप ने देश के लिए किया। वो कह रहा है जो हिस्ट्री बनी हुई है, जो एक इतिहास बना हुआ है, चाहे वो विजावेज जम्मू कश्मीर हो, चाहे 370 की एस्टेब्लिशमेंट हो, 35 का यहाँ का वजूद हो, ये मुझे नहीं लगता है कोई देश का ताकत, किसी भी सोच का ताकत इसको हटा सकता है। कोशिशें कर सकते हैं, उलझने पैदा कर सकते हैं, कन्फ्यूजन पैदा कर सकते हैं। अब चूंकि ये कोर्ट के सामने है, देश के सबसे बड़े कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में है, तो ऐसे में जो आज ताकतें रूल कर रही है, जो नागपुर से ताकतें गाइड कर रही है, ये उनकी कोशिशें हैं कि कैसे हम अटेंशन डाइवर्ट करें एक चीज़ से लेकर दूसरी चीज़ को, और जम्मू कश्मीर के लोगों को आपस में लड़ाई कैसे और उनको कन्फ्यूजन में कैसे डाले। इसीलिए मैं कह रहा हूँ मुझे भरोसा है न कोर्ट ऐसा कोई कदम उठा सकता है क्योंकि उसका अपना एक इतिहास है, और ना ही ये सरकारें उस तरह की मतलब कामयाबी पा सकते हैं क्योंकि लोग होशियार हैं। सियासी पार्टियां जिन्होंने इसके लिए रोल प्ले किया है वो आज भी जिंदा है, इसलिए कोई ऐसा कदम नहीं होने देंगे जिससे रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर कोई भी अफरा तफरी पैदा हो। अलग एक तजुर्बे है कि कभी ये तजुर्बा करना चाहते हैं, कभी वो तजुर्बा करना चाहते हैं, अल्टीमेटली दिल से तो उनका कोई तजुर्बा है ही नहीं क्योंकि वो दिल से नहीं चाहते हैं कि कश्मीर में अमन हो। यहाँ सबसे पहले सबसे सटीक देखते रहिए सच न्यूज आईना सच का।